आओ जी, आप हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे। सर सुनील, कोई बंदा है सुनील, ठीक है, वो कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। सर हमें पेपर में कैसे पता चलेगा सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन? ऐसे पता चलेगा, लिख दी लाइन सिंगल एंट्री सिस्टम, और वैसे भी तुम समझदार हो, पता लगा लोगे। इन्फॉर्म्स दैट हिज कैपिटल, बेटा प्लीज क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेना, जल्दबाजी मत करना कि ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। ओपनिंग क्लोजिंग का डेटा डिपेंड करेगा टाइम क्या गिवन है, पीरियड कौन सा गिवन है। अब वो कहता है कि उसकी कैपिटल है 31 मार्च 2021 187,000 187,000 एंड इज कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020 192,000। अब पता चल गया भाई, तो लास्ट वाली कौन सी है जो 1 अप्रैल 2020 को है, वो क्या बनेगी, ओपनिंग या क्लोजिंग? बोलो बच्चों, ओपनिंग। और 31 मार्च जो 2021 है वो क्या बन जाएगी, क्लोजिंग। ठीक है सर, अभी तक क्वेश्चन आसान चल रहा है, क्लोजिंग कैपिटल बता दी डायरेक्ट, क्या बता दी, ओपनिंग। पढ़ो पहली बात, ही फर्दर इन्फॉर्म्स यू दैट, वो आपको दोबारा बताता है दैट ही विदड्रू फॉर हिज हाउसहोल्ड पर्पस ₹84,200। बताइए इसको क्या बोलते हैं, डाइंग्स, बचपन की स्टार्टिंग की क्लासेस याद करो। मैंने एक हफ्ता क्यों कह रहा हूँ 15 दिन मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे लगाए थे, याद है आप लोगों को ड्राइंग समझाया था कि ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए बिजनेस से जो पैसा निकाले या जो क्या करे चीजें निकाले उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो उस बंदे ने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स भी करी है, कितने की, 84,200। ठीक है सर, तीनों चीजें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ही वंस Sold his investment of 20,000 at 2% premium. Underline कर उस बात को। उसने अपनी investment थी, उसकी खुद की investment थी कोई, और उसने क्या करा, उसको 2% के premium पर बेच दिया and invested the proceeds into the business. Underline कर उस बात को। Invested the proceeds. Proceeds का मतलब जो पैसा आया। पहले बताइए इसका मतलब क्या है, आप में से कोई बच्चा बताना चाहेगा, फिर मैं बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ वैसे एडिशनल कैपिटल है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हुआ क्या है, उसकी कोई इन्वेस्टमेंट थी। अब उसकी इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकती है, हो सकता है उसने शेयर में पैसा लगा रखा हो, डिबेंचर में, उसने कोई कमेटी डाल रखी हो। जवाब दो यार, उसने इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए की कर रखी थी, अब उसको 2% प्रीमियम पर बेच दिया। इधर देख लीजिए, 2% प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा, 2% के प्रॉफिट पर, 2% प्रीमियम बोल दे, प्रॉफिट बोल दे, चलेगा, एक ही चीज है। लॉस बोलता तो माइनस होता 2%। बोलो तो यहाँ छोटा सा पॉइंट है, 20,000 रुपए की चीज उसने 2% के प्रीमियम पर बेची, तो पहले 20,000 का 2% निकाल लो, कितना आया, 400 रुपए। तो यानी कि 20,000 रुपए की चीज उसने कितने की बेची, 20,400। पैसा कितना आया उसके पास, 20,000, और वो पैसा उठा के कहाँ ले गया, बिजनेस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहता है इसका प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो सर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसी में चेंजेस कर दो, क्यों इतनी मेहनत करनी है आपने, बस खाली फिगर चेंज कर दो और हम दोबारा से कर लेंगे कॉपी। चलो बच्चों बहुत अच्छी बात है, तो ये ऐसा कह लेते हैं, बच्चे जैसा कह रहे हैं वैसे ही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। बताइए मेरे दोस्तों, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, हाउ मच इट इज, 187,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, हाउसहोल्ड पर्पस 84,200। प्लीज बातें मत कीजिए भाई, बातें ना कीजिए, पहले टाइम दिया था जब कर लेते, वरना भी 7 4 11 8 8 16 और 1 17 2 लाख। ठीक है मेरे दोस्तों, एडिशनल कैपिटल, यहाँ देखो बंदे ने क्या करा है, 20,000 रुपए की अपनी इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करा है। आप चाहते तो डायरेक्ट कर सकते हो, 20,000 का 102% निकाल दो। अरे यार बोलो, जिनकी मैथमेटिक्स है वैसे कर लो, नहीं नहीं सर हमें मैथ्स नहीं आती, हम तो बच्चे हैं। तो बेटा 20,000 का 2% निकाल। सर सर ये 2% कैसे निकालते हैं, बेटा परसेंटेज हटती है तो बटे में क्या आता है, 100। पता है तुम्हें ये बात? Yes, चलो नहीं पता तो मैंने बता दिया, तो कितना आ जाएगा, 20,400। ठीक है सर, सर मैथ्स में बच्चों अब यहाँ पर माइनस हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल, 1,92,000, है ना जी सर। अब बताइए अब हम क्या करेंगे सर, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे, तो ये कितना आएगा, 400, 2 का 2, 9 2 11, 1 और 1 2,
222,400 किस में से माइनस होगा, 271,200 में से। तो जीरो जीरो, 12 में से 4 गए 8, जीरो है ना, 10 में से 2 गए 8, यहाँ क्या बचेगा 6, 6 में से 2 गए 4, क्या होगा जीरो जीरो, 12 में 4 गए 8, यहाँ क्या बचेगा जीरो, हाँ तो फिर ठीक है। और ये इसको एक हासिल भी तो देगा ना, फिर 12 आएगा फिर जीरो, ओए बातें नहीं, और तो 11 ठीक है, 212 आएगा फिर, तो फिर ऑटोमेटिक 58,000। आई होप सब बच्चों को मेरी बात समझ आ गई। Yes, sir. क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आया है, hence it is our profit. कर लीजिए कॉपी।